हे गाइस, कैसे सभी। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं साल 2016 में एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी जिसका नाम था कियन का। गाइस, इस फिल्म में जो कलाकार देखने को मिले थे वह थे अर्जुन कपूर और करीना कपूर। तो इस फिल्म का एक गाना दिल्ली के अंदर शूट किया गया था, जो कि दिल्ली के पुराने किले में शूट किया गया था। आप देख पा रहे होंगे, तो इस समय दिल्ली के पुराने किले में ही मौजूद हूँ। तो इससे पहले मैं आपको अंदर लेके चलूँ ना, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी एक से एक वीडियो देखने को मिलती रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब मेरे चैनल का नाम जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम काफ़ी बड़ा मुझे लगता है और मुझे किसी को बताने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से अब मैं अपने चैनल का नाम कुछ छोटा सा रखना चाहता हूँ। अगर आपको कोई नाम अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं फिल्म के गाने की शूटिंग लोकेशन की तरफ अंदर। तो गाइस, ये है पुराने किले का टिकट काउंटर। अंदर जाके ऐसे टिकट मिलती है, 25 रुपीस की टिकट है, आप देख सकते हैं। और ऐसे करके अंदर चलते हैं हम। तो ये है पुराने किले का फ्रंट का नज़ारा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऐसे करके इधर एक गोल डिज़ाइन टाइप का बनाया हुआ है और दोनों तरफ ऐसे बनाया हुआ है। तो ये पुराने किले का मेन गेट है और इधर से अंदर चलते हैं। और भीड़ अब बढ़ती जा रही है अंदर की तरफ। तो चलिए, अब हम अंदर चलते हैं और आपको कियन का फिल्म के जो सीन है ना वो दिखाएंगे। और इधर से भी थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी दूर तक है, खैर हरियाली काफ़ी है इधर। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस, आप अंदर आएंगे ना पुराने किले के गेट के अंदर आएंगे तो सीधा स्ट्रेट आएंगे, उसके बाद आप ना कियन का फिल्म के जो गाने के सीन फिल्माए थे ना, वो सामने एक मस्जिद है तो उस जगह ही फिल्म के सीन दिखाए गए थे। तो चलिए, अब हम इस रास्ते से चलेंगे। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं मस्जिद के बिल्कुल करीब, आप देख सकते हैं। तो ये है मस्जिद और इस जगह से ही हम चलते हैं आगे। और यहीं पर कियन का फिल्म के जो गाने के सीन फिल्माए थे ना, तो इसके आगे के सीन दिखाए गए हैं। तो चलिए, पहले हम यहाँ से चल लेते हैं आगे। तो ये देखिए, मस्जिद के आगे का नज़ारा ऐसे है। और खैर, यहाँ से दीवार है, टाप के नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इधर से। और इसके बारे में ना, जो ये मस्जिद बनाई हुई है तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ से रास्ता है इसका मस्जिद के अंदर जाने का ऐसे। और यहाँ पर है ना एक ग्रिल हुआ करती थी पहले, ग्रीन कलर की एक ग्रिल लगी थी पहले यहाँ पर, अब वो हटा दिया, अब डायरेक्ट आ जाओ इसके अंदर यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये है मस्जिद, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही है यहाँ से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से नज़ारा। और ये देखिए, प्रगति मैदान नया बन गया है अब नया, आप देख सकते हैं, आपको उधर से भी चल के दिखाएंगे। और यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा मस्जिद का पास से भी नज़ारा दिखा दूँगा, जिन भाइयों ने नहीं देखी है ना, जो नए आए हैं चैनल पर, जो वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो उनको भी एक बार यहाँ मस्जिद दिखा देता हूँ। जो भैया हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन लोग जो यहाँ तक नहीं आ सकते, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू उनको दिखा देता हूँ। और फिल्म के जो गाने के सीन लिए थे ना कियन का के, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा इसके बाद। तो पहले आप देख लीजिए, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो खाली है क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो इसी वजह से ही आप चलिए एक बारी पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, बड़ी अच्छी मतलब इस पर कलाकारी कर रखी है ना इस गेट के ऊपर, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना ये। मतलब वाइट संगमरमर है, क्या है, कौन सा पत्थर है, ये तो खैर पता नहीं भाई, काफ़ी पुरानी कलाकारी है। और इसमें पता नहीं ये उर्दू है कि मुसलमान जो मतलब मुस्लिम भाषा होती है वो, यही होगा कुछ यार, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है। तो ये देख सकते हैं, और इधर से ये नज़ारा आप देख लीजिए इधर। तो चलिए अंदर चलते हैं मस्जिद के। और ये मस्जिद का फ्रंट का नज़ारा ये देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए कितनी अच्छा लग रहा है ना यहाँ से देखने में। और ये है इसका टॉप छत, ये आज भी एकदम बढ़िया लग रही है। चलिए आपको एक बारी इसका अच्छे से नज़ारा दिखाता हूँ अंदर चल के, ये देखिए। तो ऐसे करके यहाँ का नज़ारा है। और इधर भी काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे ना तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, यहाँ के काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा देख पा रहे होंगे आप, ये मतलब तीन ऐसे दरवाजे टाइप के बनाए हुए हैं मस्जिद के, जो यहाँ पर मतलब नमाज़ अदा की जाती है, हमारे मुस्लिम भाई जो नमाज़ अदा करते थे, खैर यहाँ अब तो नहीं करते मेरे ख्याल से, मुझे क्योंकि ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और काफ़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है और हम देखेंगे। और ये है बाहर का नज़ारा, तो एक बार उस तरफ और चल के आपको दिखाते हैं, और उसके बाद मैं आपको सीन दिखाऊंगा कियन का के। तो दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये हम आ गए यहाँ से बाहर की तरफ, और आपको यहाँ से एक बार इधर से नज़ारा और दिखाता हूँ, देखना फिर बताना कैसा लग रहा है। अब देखिए, ये देखिए प्रगति मैदान, नया प्रगति मैदान बन गया, थोड़ा सा आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ये देखिए
तो पहले प्रगति मैदान ऐसा नहीं था, वो तिकोना टाइप का था, अभी तोड़ के इतना बड़ा बना दिया है। और ये है दिल्ली का साइंस म्यूज़ियम, ये देख रहे होंगे, ये है दिल्ली का साइंस म्यूज़ियम। और ये है यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसे, काफ़ी दूर तक है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम फिल्म के जो सीन है ना वो देखते हैं, और यहाँ से और आपको नज़ारा दिखा देता हूँ मस्जिद का इधर से। और धूप काफ़ी तेज़ है क्योंकि अब गर्मी बढ़ती जा रही है भाई दिल्ली के अंदर भी, तो इस वजह से धूप काफ़ी बढ़ती जा रही है इधर, गर्मी मतलब सॉरी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब हम फिल्म के सीन देखते हैं, आप बारी बारी करके मैच कर लेना। यहीं के सीन फिल्माए गए थे, इधर से ही लिए गए थे सारे सीन ऐसे करके। तो गाइज़ अब आपको मैं फिल्म के गाने के सीन दिखाता हूँ। केन का में एक गाना सॉन्ग था जिस जी हुजूरी करके, तो उसके अंदर जब अर्जुन कपूर सर है ना, एक मतलब स्कूटर टाइप का जो होता है ना उस पर बैठ के यहाँ से निकलते हैं, ये देखिए ऐसा करके गाने के दौरान ना यहाँ से निकल के ना इससे ऐसा करके और ऐसे जाते हैं, तो ऐसा करके सीन लिया जाता है। थोड़ा ऊपर की तरफ से शॉट फिल्माया था, आप मैच कर सकते हैं। तो इसी गेट से निकलते हैं सर वो स्कूटर सा लेके ना, मतलब दो पहियों का स्कूटर टाइप का होता है, और उसके बाद जब फिर है ना इसके अंदर चले जाते हैं यहाँ से ऐसा करके इस वाली जगह से, और फिर उस वाले गेट है ना वहाँ से बाहर करके निकलते हैं। तो ऊपर से ड्रोन टाइप से थोड़ा सा ऊपर से शॉट फिल्माया हुआ था, तो ऐसे वाले ऐसे करके ना फिर अर्जुन कपूर सर यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलाते हैं, तो आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं, ऐसा करके सीन लिया जाता है। और गाने के देखते हैं और सीन और देखते हैं यहाँ से। तो गाइस जब अर्जुन कपूर सर यहाँ से निकलते हैं ना स्कूटर सा लेके, तो उसके बाद वो ना यहाँ से अंदर बाहर करते रहते हैं ऐसे करके, तो सीन ऐसे करके लिया जाता है जब अर्जुन कपूर सर यहाँ से ऐसे घुस जाते हैं और फिर ऐसे घूम के आगे से इस वाले जो गेट है ना यहाँ से बाहर करके निकलाते हैं, और बार बार वो यहीं से अंदर बाहर ऐसे करके मतलब इसके अंदर से घूमते रहता है। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं ऐसे करके, तो सीन कुछ ऐसे दिखाया जाता है आप देख सकते हैं। तो मतलब ऊपर से कहीं नीचे से मतलब ऐसे सीन लिया जाता है केन का में। और केन का एक गाने का सीन और है जब करीना कपूर मैम आती हैं उनके साथ ना अर्जुन कपूर के साथ, तो चलिए अभी आपको वो और दिखाता हूँ, और ये नज़ारा आप देख लीजिए एक बार। और यहाँ से निकलते हैं और इसी के अंदर से अंदर बाहर करते रहते हैं स्कूटर से, तो चलिए देखते हैं गाने के और सीन। गाइस आपको केन का एक गाना और फूलिक्स करके एक गाना और है, तो उसके सीन भी यहीं पर ही फिल्माए गए थे जब करीना कपूर और अर्जुन कपूर सर ऐसे करके आते हैं ना इस सामने वाले गेट से आते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और धूप काफ़ी तेज़ गर्मी बढ़ रही है, खैर आज मैंने कैप नहीं लगा रखी क्योंकि मैंने बाल अब ठीक है पहले से आप देख सकते हैं, तो इसलिए आज मैंने कैप नहीं लगाई। और आपको अभी दिखाता हूँ फूलिक्स जो गाना था केन का, तो उसके भी शॉट यहीं फिल्माए गए थे, और कुछ शॉट एक दो शॉट है जो पीछे की तरफ भी फिल्माए गए थे। तो चलिए अभी हम ये देखेंगे और उसके बाद मैं आपको वो वाले सीन दिखाऊँगा। तो गाइस ऐसे करके सीन आता है जब करीना कपूर मैम अर्जुन कपूर सर ऐसे करके आते हैं ना ऐसे पीछे से घूम के आते हैं यहाँ से ऐसे करके। चलिए आपको पास लेके चलता हूँ, स्क्रीनशॉट से भी आप मैच कर लेना। तो इस वाले गेट के ही सीन दिखाए जाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ इस वाले गेट से आते हैं, और खैर मेरे को तो यहाँ से भाई अंधेरा लग रहा है अंदर की तरफ, थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ाते हैं हम। और ऐसे करके सीन लिया जाता है जब करीना कपूर और अर्जुन कपूर सर ऐसे करके खड़े रहते हैं सामने इस वाले ही मतलब पीछे का, आप ये ना ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था ना पहले ऐसे करके, ये ऐसे करके सीन आता है पीछे। इस गेट को भी मैच कर पाएंगे, डिज़ाइन को मैच कर पाएंगे। तो सीन कुछ ऐसे लिया जाता है केन का फूलिक्स सॉन्ग का, और ज़्यादा शॉट इधर के नहीं फिल्माए थे ऐसे करके है। तो चलिए और देखते हैं हम गाने के अगर कोई और शॉट है इधर का। तो गाइस अब मैं गाने की अगली लोकेशन पर आ चुका हूँ आप देख सकते हैं। तो एक सीन है ना इस तरफ का भी लिया जाता है जहाँ ये पीछे सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही है ना, तो अर्जुन कपूर सर और करीना कपूर मैम इसी गार्डन की तरफ आते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, कुछ ऐसे करके एक सीन लिया गया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा उन सीढ़ियों को, आप मैच कर लीजिएगा। तो यहीं पुराने किले का ही वो सीन फिल्माया जाता है। तो चलिए अब हम गाने का जो अगला सीन है वो देख लेते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप ऐसे करके सीन लिया जाता है, थोड़ा सा मैं और क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखिए अब आप सीढ़ियों को मैच कर सकते हैं। ऐसे थोड़े ब्लर करके आपको शॉट दिखाई देगा, तो यहीं पर ही करीना कपूर मैम और अर्जुन कपूर सर इसी पार्क से ऐसे करके जा रहे होते हैं, तो वो सीन का जो नज़ारा है ना वो ऐसे करके लिया जाता है। और काफ़ी खूबसूरत गार्डन है ये बाहर की तरफ, यहाँ पर काफ़ी लोग कपल वगैरह बैठे रहते हैं इस जगह पे, तो ये देख सकते हैं। और ये वाली मस्जिद थी जो अभी हम गए थे ना केन का सीन फिल्माने, और केन का एक सीन यहाँ का भी दिखाया गया था, आप देख सकते हैं मैच कर सकते हैं।
और गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस कियन का फिल्म के गाने का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर लें। और जल्द ही हम अब किसी नई और अच्छी लोकेशन पर मिलेंगे, जब तक दोस्तों जय हिंद दोस्तों जय भारत।